आज नवरात्रि का सातवां दिन है। नवरात्रि का सातवां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। इस दिन माँ दुर्गा के सातवें स्वरूप कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में यहाँ आचार्य जी से आइए जानते हैं माँ कालरात्रि के इस स्वरूप के बारे में, पूजा विधि, मंत्र और महत्व के बारे में। आचार्य जी धन्यवाद। चलसी जी, माँ दुर्गा जी की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के सातवें दिन माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार उनके लिए खुलने लगता है। साधक के मन पूर्णतया माँ कालरात्रि के स्वरूप में जुड़ जाता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों और विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके तीन नेत्र हैं। यह तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश की तरह गोल हैं। इनके विद्युत के समान चमकीली किरणें होती हैं। माँ की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि और भयंकर ज्वालाएँ निकलती हैं। इनका वाहन गदा है। यह ऊपर उठे दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में माँ के हाथ में लोहे का कांटा है और नीचे हाथ में कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयंकर है, लेकिन यह सदैव शुभ फल देती हैं। इसी कारण से इन्हें शुभांकरी देवी भी कहा जाता है। इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि दुष्टों का ही विनाश करती हैं। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो माँ आपको कभी भी कोई दंड नहीं देती। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर आपसे दूर हो जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली माँ हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता। माँ अपनी कृपा से अपने भक्तों को भय मुक्त कर देती है। माँ कालरात्रि के स्वरूप में विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एकनिष्ठ भाव से उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हम निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजा हमें करते रहना चाहिए। नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की आराधना का विधान है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। वह आपके समस्त दुश्मनों का नाश हो जाता है। आपका तेज बढ़ जाता है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में सातवें दिन माँ का जाप करना चाहिए। माँ का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि को गुड़ से बनी चीज़ें जैसे मालपुए का भोग लगाना विशेष शुभकारी होता है। माँ को ये भोग बहुत पसंद है और माँ इसे प्राप्त करके आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी।